हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और आज यूजुअल मेरा काम अभी खत्म हुआ, ब्रेकफास्ट वगैरह। अभी मैं लंच बनाने जाऊंगी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए सोचा आज थोड़ा बात कर लूँ। पहले ऋषि का तबीयत ठीक हो गया है, लेकिन थोड़ा है, लेकिन खुश हूँ मैं बहुत, क्योंकि उसका रीजन मैं बताती हूँ। लेकिन ऋषि के बारे में पहले बताती हूँ। ऋषि का कल मंडे था और सैटरडे से उसको फीवर था, तो सैटरडे गया, संडे और कल उसका स्कूल मैंने बंद किया था, क्योंकि वो स्कूल बंद नहीं करना चाहता था। उसको स्कूल कुछ भी हो, उसको स्कूल जाना ही जाना है, लेकिन मैंने उसका स्कूल कल बंद किया था। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, लास्ट टाइम उसने बोला कि मैं थोड़ा सा फीवर कम हुआ तो बोला तो मैं स्कूल जाऊंगा, फिर स्कूल भेज दिया। नेक्स्ट डे बहुत जोर से आया फीवर फिर से, फिर पूरा 1 वीक वो उसका स्कूल बंद हुआ, तो इसीलिए कल उसको घर में रखा था। लेकिन पूरा दिमाग खराब करके रखा मेरा, मतलब दिन भर पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, बस टीवी लगा के कार्टून देखना और बाद में बाहर जाके बालकनी पे। और पता नहीं क्लाइमेट थोड़ा अजीब सा हो रहा है, मतलब ठंडी ठंडी हवा ऐसा आ रहा है। कल तो इतना ठंड नहीं था, आज मॉर्निंग से भी बहुत थोड़ा ठंड लग रहा था और ऐसा हवा आ रहा था ठंडा ठंडा, तो बाहर जाके खड़ा हो रहा था, सुन ही नहीं रहा था, और स्वेटर क्या कुछ नहीं पहनता, ऐसा जाके खड़ा रहता है, तो फिर टेंशन मुझे रहता है। और मतलब तबीयत खराब है तो चुप नहीं बैठना है उसको, जैसे नॉर्मल जैसा वैसा एवरी डे वैसा। तो फिर कल बहुत तंग किया और कार्टून दिन भर टीवी देखा, और इसीलिए फीवर थोड़ा कम था आज। आज थोड़ा मेडिसिन वेडिसिन डाल के उसको दे के फिर उसका स्वेटर पहना के कान में कॉटन बटन डाल के फिर आज उसको स्कूल भेजा मैंने। वो भी जिद कर रहा था स्कूल जाने के लिए, फिर मैंने सोचा ठीक है चलो फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरा मम्मी आ रही है, इसलिए मैं बोल रही थी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी मम्मी आ रही है। थोड़ी दिन में हमारा घर का ओपनिंग होगा, इसीलिए मैंने बुलाया था। एक्चुअली सबको बुलाया था, कोई नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं गुस्सा थी। मेरी मम्मी भी मना कर रही थी नहीं आएगी नहीं आएगी। फिर एक्चुअली वो आने वाली थी, लेकिन पापा को कुछ काम था तो पापा नहीं आ रहे थे, तो फिर वो अकेले आने के लिए थोड़ा ये उसको प्रॉब्लम है, तो फिर वो बना कर रही थी, क्योंकि 2 डेज का जर्नी होता है, तो इसके लिए अकेले थोड़ा उसको आने के लिए मना कर रही थी वो। फिर उन्हें गुस्सा किया, बात भी नहीं किया, फिर बाद में अकेले आने भी थोड़ा उसका प्रॉब्लम है ये, तो फिर ये मेरे हस्बैंड का कोई पेशेंट का उनका फ्रेंड आ रहे थे उधर से, तो फिर उनके साथ उसको आने के लिए बोला मैंने, तो फिर वो मम्मी आ रही है। आज मम्मी बैठी है ट्रेन पे, कल आ जाएगी, तो थोड़ा रिलैक्स हूँ मैं और बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मम्मी आती है तो पूरे मुझे रिलैक्स होता है, और इसी का कुछ टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि जितना बातें कर करके मेरा दिमाग खराब करता है ना, अभी मम्मी के दिमाग खराब करेगा वो तो मैं हुए तो फ्री हूँ, और मम्मी के पास होना, मम्मी के साथ खाना, मम्मी के पास पास ही, मम्मी नहीं कोई भी आता है घर से, तो मम्मी से थोड़ा ज्यादा प्यार है उसको, क्योंकि मम्मी मतलब बेटे की तरह ही उसको पूरा ये करती है, केयर करती है, तो फिर मुझसे ज्यादा मम्मी केयर करती है उसकी उसका, तो फिर उसको भी बहुत प्यार है। लेकिन घर से कोई भी आता है, क्योंकि हमारे घर ज्यादा कोई मतलब नहीं आता है, कभी कभी आते हैं, तो मेरे इन लॉज में भी बहुत कम आते हैं। मेरे मदर इन लॉ भी एक ही बार आई है इधर, क्योंकि वो भी टीचर है, और उनको भी बुलाया था सबको आने के लिए, लेकिन शायद कोई नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे फादर इन लॉ आ सकते हैं, लेकिन ओपनिंग के टाइम हम पूजा कर रहे हैं, अभी जल्दी 2-4 दिन में कभी एक दिन देख के पूजा कर लेंगे, अच्छा मुहूर्त देख के, और ओपनिंग मतलब गेस्ट लोगों को बुलाना वो थोड़ा लेट है, तो इसलिए उस टाइम को शायद मेरा फादर इन लॉ आएंगे, लेकिन मतलब ऐसा श्योर नहीं है कि पता नहीं, लेकिन मैंने बोला है आने के लिए। मेरे मदर इन लॉ भी आना चाहती थी, लेकिन वो टीचर है, अभी स्कूल का भी टेस्ट वगैरह सब चल रहा है, और वो छुट्टी भी इतने दिन नहीं लेके आ सकते, तो फिर मदर इन लॉ भी नहीं आ रहे, और मेरा देवर है, 3 लोग ही है घर में अभी, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और देवर है मेरा, तो ये वो भी उनका भी जॉब है, तो फिर छुट्टी लेके आने के लिए शायद प्रॉब्लम होगा। फिर भी मेरे फादर इन लॉ आएंगे शायद ओपनिंग के टाइम,
तो थोड़ा खुशी में बहुत था। और इसे भी आज पूरा हैप्पी हैप्पी गया है स्कूल आने के बाद। मम्मी कल कब आएगी? और तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। और आज ऋषि का थोड़ा राजमा चावल खाने का मन है, तो एक एक दिन उसका कुछ याद आता है तो उसका बोलता है, डिमांड होता है मुझे ये चाहिए। तो आज उसका राजमा चावल खाने का मन है, तो फिर मैं जा रही हूँ और राजमा चावल बनाने के लिए। वो रेसिपी भी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके ठीक है। और पहले मैं राजमा मसाला के लिए राजमा को बॉईल करूँगी। राजमा को मैंने सोख करके रखा था ओवरनाइट, और उसमें मैं नमक और पानी डाल के उसको 3-4 सीटी आने तक, जब तक अच्छे से कुक ना हो जाए तब तक मैं इसको सीटी लगाऊंगी। और राजमा मेरा अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो। अब उसको मैं मसाला बनाऊंगी अभी। और उसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, 1 टीस्पून जीरा मैंने डाला है, और एक छोटे टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है, और एक छोटा इलायची मैंने डाला है। और उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ एक बड़ा कटा हुआ प्याज, और प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक उसको थोड़ा मैं फ्राई कर रही हूँ। और अभी उसमें मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है, और उसमें मैं 2 टमाटर का प्यूरी बना के रखा है उसको मैं डाल रही हूँ, और उसको भी अच्छे से कुक करूँगी थोड़ा 2-3 मिनट के लिए। और अभी मैं उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और उसमें डाल रही हूँ हल्दी, हल्दी का पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार ही डालिए। मैंने राजमा में थोड़ा सा डाला था बॉईल करने के टाइम, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। मसाला पकने शुरू हो गया है पकना, अभी मैं उसमें थोड़ा सा शुगर भी डाल दिया है। शुगर आप चाहो तो ऑयल में भी डाल सकते हो, अच्छा टेस्ट आता है उसमें। और अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और उसको कवर करके लो फ्लेम में 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अभी 2-3 मिनट हो गया है, और मसाला भी थोड़ा पकना अच्छे से पक गया है। और अभी मैं उसमें डाल रही हूँ जो बॉईल करके मैंने राजमा रखा था उसको मैं डाल रही हूँ। और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं उसमें पानी डाल रही हूँ। राजमा बॉईल करने के लिए जो पानी मैंने यूज़ किया था वही पानी मैंने डाल दिया है। और अभी उसको कवर करके मैं 4-5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रेवी भी अच्छा बन गया है। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, और उसको डाल के और 1 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद हमारा राजमा मसाला बन के रेडी है। अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये मेरा राजमा मसाला बहुत ही टेस्टी और अच्छा बना है। और उसके साथ मैंने बनाया है जीरा राइस, उसका रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया है, मैं और कभी करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है और उसको अपलोड करने में मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो फिर बहुत टाइम लेता है, तो इसलिए आज मैंने शेयर नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फिर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। वो उसको खाएगा, उसका बहुत फेवरेट है। और मेरा लंच खत्म हो गया है, और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा कपड़ा सुखाने के लिए। मेरा आंटी सब क्लीन करके सुखा के गई है, लेकिन जो मेरा कपड़ा है मैं उसको क्लीन करती हूँ। और अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और थोड़ी देर में ऋषि भी आ जाएगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।